एवरीबॉडी, हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट इन पाइथन। सो ये जो टॉपिक है बोर्ड्स के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर 12th क्लास, 11th और जो आपके आईपी के स्टूडेंट्स और सीएस के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एज यू नो दैट माई नेम इज़ लवजीत अरोड़ा, एम अ BCA एंड MCA होल्डर, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अनअकैडमी पर टाइप करें मेरा नाम लवजीत अरोड़ा। ओके, सो एज यू नो दैट आई एम अ नंबर 1 एजुकेटर इन माई कैटेगरी। सो चलिए, ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन, अब हम कुछ आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये मेरा रेफरल कोड है। ओके, सो रेफरल कोड, ये कोड आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है बेटा, देखो अगर आप यहाँ पर प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो जितनी भी टोटल अमाउंट होगी ना, ओके, जितनी भी टोटल अमाउंट है उसमें से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये जो रेफरल कोड है, मेरा जो नाम है, इसको यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा पूरे टोटल अमाउंट में से अगर आप मेरा नाम है ये जो रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ा सा आगे का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। मेरा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के अंदर ये आपका बेस क्रिएट करेगा, नॉट ओनली विद आईपी और सीएस बल्कि जो आपकी 12th क्लास है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे लिस्ट की, ठीक है। तो लिस्ट को करने से पहले हमें सिलेबस को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मैंने येलो जो यहाँ पर लिखा हुआ ना येलो सेक्शन पे, ये जो सारा का सारा यहाँ पर मैटर है, ये सारा का सारा मैटर आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है आपका लिस्ट का, ठीक है, जो जो चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये तो आपका बेस रेडी करेगी कि जो भी लिस्ट के बेसिक्स हैं, ठीक है, कि लिस्ट होती क्या है, उसके अंदर चीज़ें किस तरीके से वॉक करती है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो मेथड्स वगैरह आप देख रहे हो ये आने वाली वीडियोज़ में हम इनको कवरअप करेंगे, राइट, ओके। तो चलिए अब हम इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ बेटा, तो डेफिनेशन इसकी कहती है कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होती हैं वो एक्चुअली में सिक्वेंस वाइज स्टोर होती हैं। अब ये जो टर्म है सिक्वेंस, एग्जैक्टली ये है क्या टर्म सिक्वेंस, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आपने अगर 12th के बच्चे हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि यहाँ पर कुछ इंडेक्सिंग होती है ना, तो इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ डेटा वैल्यूज़ हैं जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चलो इस बार हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही ले लेते हैं, थोड़ी सी गलती होगी, माफ़ करना इसके लिए, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ये क्या कर रही हूँ, ये क्या है, ये इसकी इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो हर वैल्यू जो आप इसके अंदर डाल रहे हो उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि जो भी डेटा आप इसके अंदर डाल रहे हो वो सिक्वेंस वाइज आगे की आगे जा रहा है, ठीक है। तो 0 नंबर इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर, उसके आगे जो सिक्वेंस है कौन सा 1 नंबर इंडेक्स, उस पर नेक्स्ट डेटा, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर मतलब अगेन जो आगे आने वाला डेटा है वो है। तो ये हो गया हमारा सिक्वेंस वाइज डेटा इसके अंदर स्टोर, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, पहली चीज़ जो हमारी लिस्ट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वॉट इट इज़ स्टोरिंग डेटा वैल्यूज इन सिक्वेंस। जो नेक्स्ट चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है, ये है म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो बच्चों को इस चीज़ में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। एक्चुअली जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप और वी कैन से दैट नेक्स्ट वन इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, ओके। तो म्यूटेबल डेटा टाइप को अगर मैं बताऊँ आपको जो म्यूटेबल डेटा टाइप है वो कौन सा है, अगर मैं बात करूँ डिक्शनरी की, अगर मैं बात करूं यहां पर लिस्ट की, तो ये दोनों ही क्या है म्यूटेबल, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है,
ठीक है ओके। तो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। तो अब दो बातें हमने यहाँ पर कर ली, तीसरी बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि इसके जो ये इसको डिनोट करने के लिए जो ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर 11th क्लास की बात करो तो वहां पर बहुत बार हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि दो चार आपको ब्रैकेट दे रखे होंगे, जैसे ये लिस्ट का दे दिया, एक ट्यूपल का दे दिया, एक डिक्शनरी का दे दिया। ओके, देन आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा हाफ मार्क्स का या वन मार्क्स का, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इसमें से लिस्ट का मतलब लिस्ट को किस तरीके से डिनोट करोगे। ओके, सो वन मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है ऑब्वियसली, ठीक है। तो तीन चीजें हमने यहां पर देखी कि एक तो सिक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, सेकंड वी हैव सीन देयर म्यूटेबल डेटा है इसके अंदर, और थर्ड हमने इसका जो जिससे हम इसको डिनोट करते हैं जो ब्रैकेट्स हैं। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए अब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, हमने देखा कि लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है, डेटा कैसे स्टोर होता है, मतलब हमने एक ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। हमने एक ओवरव्यू ऊपर का पार्ट है जो जिसे कह देते हैं ना कि ट्रेलर है, ठीक है, वो हमने अब देख लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने देख लिया कि लिस्ट होती क्या है लेकिन अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से ये तरीके क्या है कि एम्प्टी लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंपल लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मिक्स्ड लिस्ट क्या होती है, लॉन्ग लिस्ट क्या होती है, और नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे इनके नाम है ना, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं क्लास में बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा बहुत सारी चीजें होती है जो हमें नाम से ही पता चल जाती है। अब एम्प्टी लिस्ट है बेटा, तो मैंने सारों को एक ही जो मेरी स्लाइड है एक ही मतलब प्रोग्राम के अंदर मैंने सबको फिनिश कर दिया। तो पहले देखते हैं हमारी जो एम्प्टी लिस्ट क्या होती है। देखो ये मेरी हो गई एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट से क्या मतलब है कि इसके अंदर हम कुछ वैल्यू नहीं रख रहे, हम जस्ट एक क्रिएट कर रहे हैं एम्प्टी लिस्ट को, ठीक है। तो अब जब मैंने इसके आउटपुट को प्रिंट कराया तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ऑब्वियसली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमने कोई वैल्यू तो यहाँ पर दे नहीं रखी, ठीक है। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम इसका मतलब क्या है, हम इसको क्यों देना चाहते हैं, मतलब क्यों दे रहे हैं अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू ही नहीं डाल रहे। तो बेटा मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मान लो कि हम लोग बैंक के अंदर जीरो बैलेंस में खाता खुलवाते हैं ना, तो क्यों खिलाते हैं कि मे भी हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम उसके अंदर कुछ पैसे और रखवाएं। तो वैसे ही एग्जैक्टली हम लिस्ट है, अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आज हम इसका प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, मे बी फर्दर हम उसी प्रोग्राम के अंदर उसका यूज फिर से कर सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यूज को डाल सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक खाली लिस्ट है जो उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू ना डाले, बट मे बी अगर आपको बाद में उसके अंदर वैल्यू डालनी है तब आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, सो नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे हमारे पास सिंपल लिस्ट की, ठीक है। तो सिंपल लिस्ट बेटा देखो क्या होती है, देखो अब सिंपल लिस्ट मतलब उसके अंदर हम लोग इंटीजर भी डालते हैं वैल्यू। ओके, सो उसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, नेगेटिव भी आ गई, पॉजिटिव भी आ गई, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यूज हम डालते हैं जिसमें जो एक सिंपल लिस्ट हो गई हमारे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा रही हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? यस एग्जैक्टली मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो हमने इनपुट किया है वही तो हमें आउटपुट मिलेगा। बस ये एक तरीका है, ये चीज है कि ये कौन सी है, ये हमारी सिंपल लिस्ट हो गई, फाइन। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट 5 नंबर लाइन में देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स भी ले रही हूँ और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ले रही हूँ, करेक्ट, ठीक है। तो देखो बेटा अब हमने कौन सी लिस्ट की, पहली हमने की एम्प्टी लिस्ट, देन सेकंड वन वी हैव डन सिंपल लिस्ट, तो ये वाली लिस्ट हो गई कौन सी, मिक्स्ड लिस्ट, जिसमें हम नॉट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, हम ना केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बल्कि हम लोग इसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स को भी डाल रहे हैं। तो मतलब मिक्स टाइप का डेटा है इसमें, ठीक है। एक ही डेटा की मतलब एक ही इंटीजर टाइप का डेटा नहीं आ रहा, मतलब मिक्स्ड है, स्ट्रिंग भी है इसके अंदर, इंटीजर भी है इसके अंदर। ओके, सो दैट्स कॉल अवर व्हाट, मिक्स्ड लिस्ट। ओके, तो मिक्स्ड लिस्ट को हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, फाइन। तो ये हमारे जो तीनों तरीके थे, मिक्स एम्प्टी का, सिंपल का और मिक्स्ड का हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज व्हाट, लॉन्ग लिस्ट। अब बेटा लॉन्ग लिस्ट क्या होती है, देखो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि लॉन्ग से मतलब लंबी, ऑब्वियसली। तो देखो जैसा नाम है वैसा ही हमने यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया है, तो इसका जो प्रेजेंट हमने ने किया है तो इसी से इसका नाम भी पड़ गया कि कुछ भी बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे रिकॉर्ड है इसके अंदर हमने रखे, तो वो हमारी होती है लॉन्ग लिस्ट। एज मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो मैं यही आउटपुट मतलब एक्सपेक्ट करूंगी, तो वही मुझे यहाँ पर मिल रहा है,
ठीक है, तो चलिए बेटा, अभी तक हमारे लिए चीजें बहुत सिंपल थी जब हम एम्पटी कर रहे थे, सिंपल कर रहे थे, मिक्स्ड कर रहे थे और लॉन्ग कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट टाइप है ये थोड़ा सा अलग है, दैट इज व्हाट, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। अब बेटा नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, देखो अभी तक अगर आपने अपने सीनियर से भी सुना हो, अगर आप 11th के बच्चे हैं या फिर अगर आप 12th के भी हैं, 12th वालों ने तो शायद किया भी होगा, है ना। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो अगर आपने इफ किया होगा, है ना, तो इफ किया मैंने, इफ के अंदर अगर मैं कोई और इफ यूज कर रही हूँ तो मैं इसको क्या कहती हूँ, ये क्या है, नेस्टेड इफ है, ठीक है। अगर मान लो बेटा मैं व्हाइल लूप है, अगर आपने सुना होगा नाम या यूज भी किया होगा, तो while के अंदर while यूज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड वॉट, अ नेस्टेड लूप, राइट। ओके, सो सेम चीज, एक चीज जो आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आप अगर दूसरी चीज यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वॉट, अ नेस्टेड। क्या कहते हैं उसको, नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अब मैंने एक लिस्ट यूज की, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मेरी लिस्ट है इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट होगी, अब इसके अंदर मैं एक और लिस्ट यूज कर रही हूं तो उसको भी इस तरीके से डिनोट करूंगी, एग्जैक्टली। ओके, सो दैट इज कॉल्ड वॉट, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ओके, सो अब इसके अंदर भी अगर मैं एक और लिस्ट यूज कर रही हूं तो ये भी क्या होगी, नेस्टेड लिस्ट ही होगी, ठीक है। ओके, तो चलिए अब इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसको एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब जो हमारी नेस्टेड लिस्ट है वो कैसे करती है, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, ये जो मेरा साइन है ये किसके लिए, लिस्ट के लिए, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये खत्म हुआ, ठीक है। इतनी चीज हमें कवर हो गई। अब लिस्ट बनाई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर वैल्यूज तो देंगे ही ना, तो वैल्यूज मैंने दी है यहाँ पर जीरो नंबर इंडेक्स, जैसे अभी हमने पिछले जो मेरी स्टार्टिंग थी, अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर सको तो प्लीज़ इस चीज़ के साथ रिलेट करना, जैसे इसकी डेफिनेशन थी बेटा। डेफिनेशन में ये देखो, ये वर्ड जो मैंने लिखा हुआ सिक्वेंस है ना, तो ये सिक्वेंस अभी मैंने आपको यहाँ समझाया तो अब आपको ये यहाँ पे एग्जैक्टली समझ आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा हमारा सिक्वेंस वाइज क्या है, स्टोर हो रहा है, समझो इस चीज को, जीरो वन। और अब ये जो मेरी नेस्टेड लिस्ट है ना, ये जो पूरी फैमिली है, ये जो पूरी फैमिली, ये जो पूरा बॉक्स है, इसको एक को एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड होगा, कौन सा, टू। नेक्स्ट ये मेरे पास आ रहा है, दैट इज थ्री। नेक्स्ट मेरे पास ये आ रहा है, दैट इज फोर। ओके, और ये जो पूरा बॉक्स है लिस्ट का, ये क्या है मेरे पास, फाइव। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिक्वेंस वाइज डेटा इसके अंदर स्टोर। अब जब मैं इसको प्रिंट करा रही हूं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, यस, जो आपने इनपुट दिया वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, जैसे यहां पर मैंने इसको अलग से ही एक एग्जांपल ले लिया ताकि आपकी अच्छी सी समझ में आ जाए। देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग एक लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं यहां पर जीरो वन टू, अब देखो ये जो पूरी फैमिली है ना, ये जो पूरी लिस्ट की, नेस्टेड लिस्ट की फैमिली है, इनको हमने क्या एक अलग से रूम प्रोवाइड कर दिया कि ये पूरा होटल है, यहाँ पे क्या है, एक फैमिली घूमने के लिए गई, जीरो वन टू, और ये पूरी एक फैमिली घूमने के लिए गई। ये लोग अलग अलग गए थे, जीरो वन टू वाले इंडेक्स वाले, और ये एक साथ गए, तो इनको क्या है, एक ही रूम प्रोवाइड होगा कि अच्छा तुम फैमिली हो तो तुम्हें थ्री नंबर रूम प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ना, थोड़ा ईजी हो गया हमारे लिए, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, इनको जीरो इंडेक्स मिला, वन मिला, टू मिला, और इस पूरी फैमिली को कौन सा इंडेक्स नंबर मिला, थ्री नंबर इंडेक्स मिला, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि थ्री इसका है या इसका है, थ्री तीनों का ही है, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पर एक बार थोड़ी सी समझो, इसके बाद जब हम इसकी करेंगे ना, जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो अभी आई होप कि जो बेसिक चीज है नेस्टेड की, कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, आई थिंक ये आपके लिए आप पक्की हो गई होगी अभी ये वाली चीज, है ना। तो चलिए अभी तक हमने बेस कर लिया, हमने देख लिया कि किस किस तरीके से हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो अब देखो बेटा, नेक्स्ट में यहां पर क्या करवाने जा रही हूं कि हमारी लिस्ट क्या है, वो म्यूटेबल कैसे है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि लिस्ट म्यूटेबल कैसे है, अरे ट्यूपल इम्यूटेबल कैसे है, ठीक है। तो आज ये जो लेक्चर है ना, आप देखोगे आपका ये जो कंफ्यूजन है जड़ से खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। तो देखो, लिस्ट इज म्यूटेबल, सो दैट मींस दैट वी कैन चेंज। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, मेरे पास जो मेरी लिस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लिस्ट में म्यूटेबल या इम्यूटेबल का जो एग्जांपल है उसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वैल्यू ली है,
ठीक है, इंटीजर वैल्यू ली है जिसके अंदर मैंने 5 डाल दिया, मतलब एक इंटीजर है ए के अंदर मैंने 5 डाल दिया, ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया मेरा, ठीक है। तो अब देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, मैं इस ए को प्रिंट करा रही हूँ, तो व्हाट मैं क्या एक्सपेक्ट क्या करती हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे 5 मिलेगा, यस 5 मिलेगा। अब जो मेरा मोटिव है वो ये है कि ये जो आईडी फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका एड्रेस प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। पहली बात, अगर आप नए हैं आईडी फंक्शन के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा आईडी फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो हमें एड्रेस प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, ठीक है। जैसे ए है, ए के अंदर 5 है, तो वो कहाँ मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। तो ये एड्रेस हमें किसके थ्रू पता चलेगा, आईडी फंक्शन के थ्रू। आईडी फंक्शन क्या करता है, मेमोरी एड्रेस हमें ला के देता है। एक दो बार आप देखना, क्वेश्चंस भी इस तरीके से बनते हैं, आपको मिले भी होंगे क्वेश्चंस की जो आईडी फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या होता है। ये हमें रिटर्न किसके अंदर वैल्यू करता है, इंटीजर के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि आईडी, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो कभी फ्लोट में नहीं होता, वो कभी पॉइंट में नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेमोरी में 3.56 जगह पर ये वैल्यू पड़ी है। एड्रेस हमेशा इंटीजर के अंदर ही आता है, मतलब इस टाइप की वैल्यू आती है उसके अंदर। ओके, तो चलिए अब हमने ये थोड़ी सी चीज की। अब मेरा ये मैं बता क्यों रही हूँ आपको, अब आपको यहाँ वो चीज क्लियर होगी। देखो सेम चीज मैंने यहाँ तक की है कि ए लिया, ए के अंदर कोई वैल्यू डाली, अब उसका मेमोरी एड्रेस जब प्रिंट कराया तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर मैं क्या बताना चाह रही हूं कि देखो मैंने ए के अंदर 5 डाला था, अब मैं ए की वैल्यू क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं यहां पर, चेंज कर रही हूं, ठीक है। मैं ए के अंदर 5+3 यानी कि मैं ए के अंदर अब 8 डालने की कोशिश कर रही हूं, बट उसके अंदर क्या वैल्यू थी, 5 थी। तो मैंने उसका एड्रेस प्रिंट करवाया तो कुछ इस तरीके का एड्रेस आया। अब मैंने ए के अंदर वैल्यू को चेंज कर दिया, 5 नहीं है अब ए की वैल्यू, इस 3 लाइन के बाद में ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 8। समझ रहे हो ना इस बात को? तो अब देखो, अब मैं इसका जब एड्रेस प्रिंट करा रही हूं तो ये देखो मुझे कौन सा एड्रेस प्रोवाइड हुआ, मतलब दोनों एड्रेस अलग अलग हो गए ना, कि हाँ वैल्यू मैंने ए लिया, ए के अंदर 5 डाला, मैंने उसकी वैल्यू चेंज की, तो अब मेरे पास 2 एड्रेस कैसे आ गए। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटीजर है, जैसे मैंने आपको बताया ना, डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अगर मैं म्यूटेबल की बात करूँ तो सिर्फ 2 है हमारे पास, डिक्शनरी है और दूसरा लिस्ट है। इसके अलावा जितने भी है वो सारे इम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया कि मैं अपने जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर सकूँ, लेकिन चेंज तो हुई, वैल्यू चेंज तो हुई, लेकिन क्या हुआ कि उसने इसको तो अलग मेमोरी दे दी और उस चेंज की, बट उसने क्या किया, उसको अलग ही मेमोरी पे भेज दिया, मतलब एक नया ही ए क्रिएट कर दिया, एक नया ही वैल्यू उसके अंदर 8 दे दी, ओरिजिनल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आई बात? अब इस चीज़ को रिलेट करके देखो इस एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक लिस्ट ले रही हूँ, जैसे कि आपको पता है हमारी लिस्ट क्या है, ये म्यूटेबल है, दैट वी कैन चेंज। अब इसको यहाँ पर देखो, लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज दी हैं। अब मैं जब इसका एड्रेस प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, तो देखो आईडी फंक्शन का यूज़ हमें पता चल गया कि क्या है आईडी फंक्शन। तो देखो यहाँ पर मुझे इसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है ना, ये देखो ये मुझे इसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है। समझ में आई बात? अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैं लिस्ट है जो मेरी, उसके 2 नंबर इंडेक्स पर, कौन सा 2 नंबर इंडेक्स, देखो करते हैं, चलो करते हैं, 0, 1 और 2, यानी कि इस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है ना, मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। मैं 3 की जगह क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि 33 आ जाए, ठीक है, मैं चाहती हूँ उसकी जगह 33 आ जाए। तो अब हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम चेंज ही तो कर रहे हैं वैल्यू को, है ना, मैं चेंज ही तो कर रही हूँ। चलिए तो हमने चेंज कर दिया। अब जब मैंने इसको प्रिंट कराया ना, इसका एड्रेस, तो देखो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, देखो दोनों के एड्रेस सेम प्रिंट हो रहे हैं, मतलब जो हमने लिस्ट ली और जो हमने बाद में चेंज किया उसके अंदर, दोनों के दोनों सेम एड्रेस है। सो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज हुआ। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था यहाँ पर, कि पहले मैंने ए लिया, उसका एड्रेस चेंज कराया तो मुझे कुछ एड्रेस मिला, फिर जब मैंने इसी ए के अंदर कुछ चेंज करना चाहा तो उसका दूसरा एड्रेस बना, यानी कि ओरिजिनल के अंदर तो चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल, ठीक है, कि इसमें ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल आपका है डेटा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा, राइट। उसने क्या किया, चेंज किया बट उसको अलग ही मेमोरी प्रोवाइड करवा दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये होता है म्यूटेबल।
कि आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो, चेंज पॉसिबल है. ओके, तो अब आप इसको थोड़ा सा रब करके मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं. देखो ये मेरी लिस्ट कौन सी थी, देखो हाँ ये वाली मेरी लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट जिसको मैंने यहाँ पर वन नंबर लाइन में लिया. एग्जैक्टली ओके, सो इसका मेमोरी एड्रेस मेरे पास क्या आ रहा था, ये कुछ आ रहा था 5100128. ओके, सो एक्चुअली में ये क्या है बेटा कि अब आप अगर अपने लैपटॉप पे करोगे या अपने पीसी में करोगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट एड्रेस दिखाई देगा, क्योंकि हर कोई जगह, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि यही सेम एड्रेस आपको दिखेगा, ठीक है, कोई और अलग डिफरेंट एड्रेस हो सकता है आपके पीसी में. वो आपके पीसी के आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन से आपके मेमोरी वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपको अलग एड्रेस उस पर मिल सकता है, ठीक है. तो चलिए अब ये चीज हमने यहां पर देख ली. अब मैं इसके अंदर चेंज कर रही हूं, क्या चेंज कर रही हूं, मैं चेंज कर रही हूं कि 3 की जगह भाई 33 आ जाए. तो दैट मींस मैं चेंज करना चाहती हूं ओरिजिनल के अंदर. ओके, तो जब मैंने ओरिजिनल को चेंज किया तो देखो मेरे पास चेंज आ गया. अब मुझे कैसे पता चला ये ओरिजिनल है, जब मैंने इसका एड्रेस प्रिंट कराया तो वही एड्रेस आ रहा था. एग्जैक्टली, सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेबल. ओके, सो इम्यूटेबल जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट. ओके, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे करते हैं. यहाँ पर देखो वही एग्जाम्पल लिया है मैंने, कुछ अलग वैल्यूज ले ली मैंने, 1 2 3 कुछ मेरे पास वैल्यूज है, ठीक है, लिस्ट है मेरी. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ 2 नंबर इंडेक्स पर. जैसे आपको पता है इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है. ये चीज हमेशा याद रख लो, अगर आप स्ट्रिंग की बात करोगे, अगर आप लिस्ट की बात करोगे, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. ओके, तो चलिए अब मेरे पास यहां पर 0 1 2 3. ओके, तो 3 इज इनफ, क्योंकि हमें दो जो 2 नंबर इंडेक्स है वहीं तो चेंज करना है. बस वहीं पर मैंने चेंज किया, क्या 34. जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो क्या एक्सपेक्ट करती हूं, यस एग्जैक्टली. ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब इसके अंदर म्यूटेबल इम्यूटेबल के अंदर, जैसे स्ट्रिंग आपने सुना कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इम्यूटेबल, चलिए जी कर लेते हैं इसके एग्जांपल. अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने लिस्ट ली. अब जैसे आपको पता है कि हम लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो यस एग्जैक्टली ये हो गया चेंज. अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू को चेंज करूँ, ठीक है. स्ट्रिंग के अंदर भी तो हम 0 1 की मतलब इंडेक्स होते हैं, है ना, स्ट्रिंग के अंदर भी तो 0 1 इंडेक्स होते हैं. अगर मैं अपना ही नाम लूँ, ये मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर लवजीत, ठीक है, तो अब ये किस तरीके से मेमोरी में सेव हुआ होगा, LOVEJEE ऐसे हुआ होगा. चलो मैं अपने नाम के पहले 4 कैरेक्टर्स ही ले लेती हूँ, तो ये क्या हो गया, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स एंड सो ऑन. अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं चाह रही हूँ कि मेरे 2 नंबर इंडेक्स पर ना H आ जाए. अब 2 नंबर इंडेक्स कहाँ है भाई, ये रहा, इस V की जगह मैं चाह रही हूँ कि H आ जाए. लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसने मुझे क्या बोला कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. अब यहाँ पर मैं इस तरीके से चेंज नहीं कर सकती. ओके, सो ये वाला चेंज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है. व्हाई, बिकॉज अवर स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. ओके, सो ये जो कंसेप्ट था म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाला, ये बच्चों को बहुत ही परेशान करता है रियली में. ओके, सो बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि क्या होता है, इसी के बीच में कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है. देखो बेटा ट्यूपल है ना, ट्यूपल और हमारी जो लिस्ट है वो दोनों सेम है, बट उनके अंदर यही एक डिफरेंस है. ओके, जब हम ट्यूपल को करेंगे तब और चीज़ें हम उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे. फाइन, तो चलिए अब हमने जो मेन मेन चीज़ें थी, डेफिनेशन थी, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल, ये सारे कॉन्सेप्ट को कर लिया. तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ नया करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा लिस्ट. ओके, स्लाइसिंग जिसको हम बोलते हैं, लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करना. ओके, तो अब बच्चे जब स्लाइसिंग करते हैं तो बहुत पजल होते हैं स्लाइसिंग के अंदर भी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे अनअकैडमी पे ही आते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे पर्सनली बच्चे करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मैम एक स्लाइसिंग पे वीडियो डालो, ठीक है, स्लाइसिंग हमें समझाओ. ओके, तो बेटा कुछ भी नहीं है स्लाइसिंग, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है. जब आपको समझ में आ जाएगा ना असली कॉन्सेप्ट, तब आपके लिए रियली में कुछ नहीं लगेगा. तो चलिए मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास एक मैंगो है, ठीक है, स्लाइस तो आपने पिया ही होगा, है ना. तो चलिए मैंगो है, ठीक है. अब आप मैंगो की क्या है, स्लाइस काट के खाते हो ना आप, पूरा तो उसके मुंह में नहीं डालते, राइट. ओके, तो अब देखो मेरे पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड पड़ा है. अब भाई मुझे ज़रूरत पड़ गई कि उसमें से कुछ जो बीच का डेटा है या आगे पीछे का कोई भी डेटा है, मुझे वो डेटा क्या है, उसकी स्लाइस निकालनी है ना, उस डेटा की स्लाइस मुझे निकालनी है.
तो अब मुझे पूरे जो मेरा मान लो 5 लाख का डेटा है, मुझे उस डेटा से तो कोई उस डेटा को लेके मैं क्या करूंगी, मुझे तो सिर्फ उसमें से उसका थोड़ा सा पार्ट चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो यही होती है स्लाइसिंग कि मुझे इस डेटा में से इतना सा पार्ट मुझे एक्सेस करना है, मुझे इतना सा पार्ट लेना है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट अ स्लाइसिंग, करेक्ट? ओके, तो चलिए अब हम इस स्लाइसिंग के मैटर को, ये जो गुत्थी है ना, इसको खोलते हैं। अब बेटा आपने देखा होगा कि मैंने अभी अब बताया आपको कि यहाँ पर इंडेक्सिंग यूज होती है। ओके, इंडेक्सिंग वर्ड आपने सुना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताती हूँ कि यहाँ दो टाइप से इंडेक्सिंग होती है। समझ में आ रही है बात कि दो टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। एक तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। समझ में आई बात, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब चलिए यहां पर देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने यहां पर लिस्ट ली, पहली पहचान लिस्ट की क्या होगी, ये ब्रैकेट्स हैं जो मेरे, ठीक है। ओके, तो मैंने यहां पर लिस्ट ली। अब इसकी जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है बेटा, वो हमेशा इस तरफ से स्टार्ट होती है। देखो ये इस तरफ से मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, पहले इंडेक्स नंबर 0, फिर 1, 2, टिल जब तक मेरा लिस्ट चलती रहेगी। बस एक चीज ध्यान रखो कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है, ओके, हमारे लेफ्ट से। ओके, हमारे लेफ्ट से, हमारी यहाँ मतलब स्क्रीन की बात कर रही हूँ, ठीक है, इधर वाले हैंड से हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो भी स्टार्ट होती है किससे, 0 से। तो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। तो चलिए अब इसके बाद में बचा क्या, नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब मैंने इधर से पॉजिटिव बताया, तो इधर से बता रही हूँ कि नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखो बेटा, नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब यहाँ पर क्या है, ये -1 से स्टार्ट होगी। ये चीज एकदम क्लियर कर लेना अपने माइंड में कि ये -1 से स्टार्ट होगी। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, 6 मतलब जितना है वो आगे चलता रहेगा। जैसे मेरा यहां तक खत्म हुआ तो बस खत्म हो गया यहां तक, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से, सॉरी -1 से। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। अब सोचो कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये चीज, भाई हमने स्लाइसिंग करनी है यहाँ पर, ओके, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये इंडेक्स क्लियर होना कि भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो स्लाइसिंग कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम जब स्लाइसिंग करते हैं ना, तो देखो ये मेरी लिस्ट का नाम है, मान लो ये मेरी लिस्ट का नाम दिया है मैंने स्लाइसिंग, जैसे मैंने ये नाम दिया है स्लाइसिंग, ठीक है। अब बहुत बार बच्चे पजल हो जाते हैं, बच्चे ध्यान से देना इस बात को, मैं क्लास में 3-4 बार भी बताती हूँ ना, फिर भी कोई ना कोई बच्चा मुझसे ये चीज पूछ ही लेता है। जैसे मैंने ये अगर स्लाइड मैंने यहाँ स्पेशल क्लास में भी पढ़ाई होगी या फिर प्लस के कोर्सेज में भी पढ़ाई है, तो बच्चे मुझसे 2-3 बार पूछ ही लेते हैं, मैम आपने यहाँ पर स्लाइसिंग नाम क्यों लिया। तो अभी आपको भी ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो स्लाइसिंग नाम है, ये सिर्फ मेरी लिस्ट का नाम है। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, बस आपको आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, वी कैन से दैट, यहाँ पर मैं अपना नाम भी दे सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए स्लाइसिंग दिया क्योंकि हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, सो मैं हमेशा क्या करती हूँ, टॉपिक से रिलेटेड नाम देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको स्लाइसिंग नाम दिया यहाँ पर। क्योंकि मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ, इसलिए स्लाइसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फाइन। तो मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, पजल मत हो जाना कि स्लाइसिंग करने के लिए मुझे स्लाइसिंग फंक्शन ही लगाना पड़ेगा, नो, ओके, इट्स जस्ट अ नेम, फाइन। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग मैंने क्या किया, ये जो वर्ड लिखे हैं 3 और 4 और कॉलन, ये क्या है, देखो इसको करने से पहले यहाँ पर समझ लो बेटा कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है जहाँ पर मैं राउंड लगा रही हूँ, ठीक है, ये सेक्शन आता है मेरा स्टार्ट के लिए कि स्लाइसिंग कहां से स्टार्ट करनी है, ओके। तो ये सेक्शन किसके लिए आता है, स्टार्ट के लिए। सो मैं यहां पर डाल देती हूं एस, एस मींस मुझे स्टार्ट करना है। फिर आता है कॉलन, ये मेरी स्लाइसिंग का बहुत बड़ा पार्ट है,
कॉलन यूज होता है स्लाइसिंग के लिए, ठीक है। अगर आईपी के बच्चे होंगे यहाँ पर तो उनको उनको उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि उनको अगले साल पैंडास के साथ डील करनी है, तो वहां पर भी स्लाइसिंग होती है, ठीक है। तो चलिए ये मेरा स्लाइसिंग के लिए मैं कॉलन साइन का यूज करती हूँ। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर देखो ये जो गोला मार रही हूँ यहाँ पर क्या आएगा, एंड, एंड आएगा। कौन सा मेरा एंड वाला जो पॉइंट है जहां तक मुझे स्लाइसिंग करनी है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, ठीक है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये कहता है कि ये जो एंड है ना, ये जो एंड है, आपने अगर 5 दिया है एंड, अगर आपने बोला कि मुझे 5 नंबर इंडेक्स तक स्लाइसिंग करनी है, तो ये क्या कहता है कि 5 से एक पहले वाला यानी कि 4 तक मैं करूंगा स्लाइसिंग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको खोलते हैं, इस गुत्थी को क्या है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत सारे, अब ऐसा समझाऊंगी बेटा कि बस कभी भूल ही नहीं पाओगे। ओहो ये रब क्यों नहीं हुआ अभी तक, लेट मी रब इट, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये मेरी लिस्ट का नाम है, ओके। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये कोई फंक्शन कोई मेथड कोई लगाना ज़रूरी नहीं है स्लाइसिंग, ये सिर्फ मैंने एक नाम दिया है, इसकी जगह आप अपना भी नाम दे सकते हो। ये जो नाम मैंने यहाँ दिया है वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है। तो वो लिस्ट का नाम देना पड़ेगा जिसको आपको स्लाइस करना है जिसमें से। अब मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया, ये बिग ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 3 और 4। अब ध्यान से देना बेटा कि मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रही हूँ, इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4। ध्यान से देखना इस बात को। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पॉजिटिव इंडेक्स लिखे हैं। 3 और 4 क्या होते हैं, मेरे पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं, एग्जैक्टली, ओके। तो अब देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर किया 40, मतलब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 40, ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 4 लिख रही हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर वैल्यू आएगी उससे एक बिल्कुल पहले की, पहले का जो इंडेक्स होगा ना वहां तक हमारी स्लाइसिंग चलेगी, ठीक है। ये वाला है ये तो आपका पूरा ले ही लेगा वो, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या आएगा कि जो आपका एंड दे रखा है, नंबर दे रखा है, उससे एक पहले का। तो ठीक है भाई 4 दे रखा है तो दैट मीन्स 3 तक। अब ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से खत्म हो रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या रिजल्ट आए? यस, अगर आप 40 सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आपने 40 सोचा सो दैट मींस आप बिल्कुल पॉइंट पे जा रहे हो। चलिए तो अब हम दूसरी चीज करते हैं। अब स्लाइसिंग का नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया है, 0 किया है। ध्यान से सुनना चीज़ों को, ठीक है, 0 और यहाँ पर मैं 4 कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 0 नंबर इंडेक्स पर क्या है, अच्छा 10 है, ओके, तो ये मेरा स्टार्टिंग हो गया। अब एंड मुझे कहाँ पर करना है, 4 नंबर यानी कि 4 से बिल्कुल एक पहले का इंडेक्स, ठीक है, दैट मींस मुझे 40 तक करना है, ठीक है। तो अब क्या क्या आएगा, 10 आएगा, उसके बाद जो इंडेक्स, उसके बाद टिल 40 तक वो मुझे प्रिंट करा देगा। यस, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि बच्चे सही गेस करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ही इतने ले रखे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ूंगी आपके लिए कि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो मिस हो गया हो, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पेज पे तो हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने ना कुछ नहीं दिया, मैं भूल गई देना। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं 4 इंडेक्स दे रही हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है ना कि देखो जब आप कुछ नहीं देते, जब आप कुछ नहीं देते इंडेक्स के अंदर और वो भी इस वाले के अंदर, मतलब पहले वाले के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट किसको मान लेता है, 0 को मान लेता है। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या सोचता है कि मुझे 0 से स्टार्टिंग करनी है। क्या मानता है वो बाय डिफॉल्ट कि मुझे 0 से स्टार्टिंग करनी है, ओके। तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, दैट मींस वो किससे स्टार्ट करेगा, 10 से। अब लास्ट इंडेक्स आप क्या दे रहे हो, 4 से एक बिल्कुल पहले, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा हम 40 तक। तो फिर से वही चीज़ हमारे पास प्रिंट हो गई, क्या 10 से लेके 40 तक के सारे डिजिट नंबर्स प्रिंट हो गए, एग्जैक्टली यही तो हो रहा है, सिंपल है बहुत ही। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग की, और फिर से मैं यहाँ पर देना भूल गई। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से वो 0 नंबर इंडेक्स को कैच करेगा। तो चलिए 10 नंबर से लिया, अब मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ, सो दैट मीन्स 2 से बिल्कुल एक पहले का इंडेक्स, कौन सा, ये है हमारा 1, ओके, सो दैट मीन्स 20, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा एज ए आउटपुट, एग्जैक्टली 10 एंड
20. ओके ठीक है, ये मेरे पास आ गया. अब हमने हर बार ये वाला जो है इसके अंदर चेंजेस किया, मतलब इसमें नहीं दिया. अब मान लो कभी मैं ये भी तो भूल सकती हूँ ना, कभी ये भी तो आ सकता है पेपर के अंदर कि कुछ नहीं दिया हो, तो देखो क्या होगा हमारे पास. ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ना, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें. तो चलिए हम इस पर थे, ये वाला था है ना, ये वाला. तो देखिए, तो 3 से मैंने दे दिया कि स्टार्ट करना है, तो चलो 0, 1, 2 और 3. ठीक है, तो मैंने 3 से स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो मैंने 3 से स्टार्ट किया, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, 40 की. अब एक चीज़ का यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखना, वो ये कि जब पीछे वाला है जो एंड वाला, ये वाला अगर नहीं दिया है तो इसका क्या मतलब है, वो सबसे लास्ट वाला जो है तब तक जाएगा जब तक हमारी लिस्ट क्या है, खत्म नहीं हो जाती. तो हमारी लिस्ट कहाँ खत्म हो रही है, 50 के ऊपर खत्म हो रही है. तो अब ये क्या प्रिंट कराएगा, 3 से टिल लास्ट तक. अब यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती कि वो लास्ट से एक पहला, यहाँ पर 50 प्रिंट होगा ही होगा, समझ में आई बात. तो अब मेरा 3 से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल लास्ट वाला कौन सा है, 50. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स देती तब वो उस इंडेक्स से एक पहले का लेता, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ दिया ही, तो इसका मतलब वो लास्ट वाले को इंक्लूड कर लेगा. ठीक है, ओके. तो चलिए, अब मेरे पास क्या एक्सपेक्टेड आ रहा था, 40, 50, एग्जैक्टली यही मेरे पास आउटपुट आया, समझ में आई बात. तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब देखो मैंने यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कॉलन दिए हैं, सिर्फ स्लाइसिंग के लिए मैंने कॉलन दे दिया. तो देखो क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि वो 0 से स्टार्ट करेगा और टिल एंड तक जाएगा, तो मतलब ये पूरी मेरे पास जो मेरी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी. तो देखो यहाँ पर मेरे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है, समझ में आई बात. तो चलिए, अभी तक हमने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जिनको हमने कवर कर लिया. तो अब यहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं कि भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग है क्या. तो चलिए, स्लाइसिंग लिस्ट का नाम है. अब मैं देखो बेटा यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 0 दे रही हूँ. ठीक है, 0 तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, तो अब देखो बेटा अगर 0 दिया है ना तो ये यहीं से ही स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 10. थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 10. ओके, तो अब मैं यहाँ पर देखो बेटा क्या दे रही हूँ, -3 दे रही हूँ. समझने की कोशिश करना इस चीज़ को. देखो -1, जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग किधर से स्टार्ट होती है, इधर से स्टार्ट होती है, तो -1, -2 और -3. ठीक है, तो मैंने अब क्या दिया, यहाँ पर -3 दिया है. ठीक है, तो अब जो मेरी जो स्लाइसिंग वो स्टार्ट कहाँ से होगी, जो लास्ट दिया है उसके ठीक पहले से, यानी कि अब यहाँ तक खत्म होगी मेरी. स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 0 से. यस, एग्जैक्टली. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10 और 20. ठीक है, समझ में आई. ये 0 नंबर इंडेक्स पर है और ये किस नंबर इंडेक्स पर है, -3 दिया था, तो -2 तक. ठीक है, समझ में आया. अब देखो इसके और एग्जाम्पल करते हैं ना, फिर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग का कुछ नहीं दिया. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वाला इंडेक्स मेरा प्रिंट करा रही हूँ. क्या प्रिंट करा रही हूँ, देखो -1, ओके, -2, ओके, -3, ओके, और -4, और यहाँ पर -5 है. ठीक है, ये मेरे नेगेटिव इंडेक्सिंग है. मैंने यहाँ पर क्या दिया है, -4, यानी कि -4 इसकी बात कर रहे हैं हम. अब इससे ठीक एक पहले का कौन सा है, -5. तो अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 0 इंडेक्स से, क्योंकि हमने इंडेक्स दिया ही नहीं. तो 0 इंडेक्स भी यही है और -5 भी यही है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, 10. ओके, तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने स्लाइसिंग किया, -4 से स्टार्टिंग कर ली. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रब भी कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए ना. तो चलिए, अब यहाँ से माइनस इंडेक्सिंग मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, -1, -2, -3, -4, -5. ओके, तो ये चीज़ मेरी हो गई. अब देखो बेटा, मैं -4 से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, -4 से क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग कर रही हूँ. तो एग्जैक्टली हम यहीं से सोच रहे हैं तो सही है. ओके, और कुछ नहीं दिया पीछे, तो मतलब टिल लास्ट तक. तो क्या प्रिंट होगा, 20, 30, 40, 50. ठीक है, यस, एग्जैक्टली यही मैंने एक्सपेक्ट किया था और यही मेरा प्रिंट हुआ.
ये होती है हमारी स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग के थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। तो और दूसरी बात बेटा प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन एंड देन ओनली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने अपनी लिस्ट ली, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो मतलब मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रही हूँ, यहाँ पर मैंने 3 दिया है तो मतलब अब मैं 2 नंबर इंडेक्स तक चलूंगी, तो कितने इंडेक्स प्रिंट होंगे, 0, 1 और 2। क्या पढ़ा है 0, 1, 2 पर, 1, 2, 3, एग्जैक्टली, ओके। तो आई होप अभी आप मेरे साथ साथ ही बोल रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, 3 नंबर पॉइंट पर क्या पढ़ा है, 1, तो ठीक है मुझे 1 नंबर इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है और एंड कहाँ पे करना है मुझे, 4 नंबर इंडेक्स पे, यानी कि 4 से ठीक पहले वाला कौन सा है, 3। तो अब मुझे क्या क्या इंडेक्स प्रिंट करने हैं, 1, 2 और 3। तो चलिए 0 के बाद में 1, 2 और 3, यानी कि 2, 3, 4 है यहाँ पर, एग्जैक्टली यही चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट 4 नंबर वाला मेरे पास क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग कहीं से भी नहीं हो रही, मतलब 0 से हो रही है, कुछ नहीं दिया मैंने तो दैट मीन्स ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रही हूँ, तो देखो कैसे होगा, पहले इसको रब कर लेते हैं ना, थोड़ा पजल ना हो जाए। तो देखो अब यहाँ पर देखो -1, ओके, -2, देन -3, ओके, -4, ओके, तो माइनस थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, माइनस बेचारा भी है ना, -5, तो चलिए ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं दिया, यानी कि स्टार्ट तो इसने कहाँ से होना है, यहीं से होना है कि स्टार्टिंग में मेरे पास 1 आएगा ही आएगा। अब -4 से एक पहले का क्या लेगा, 1, 2, 3, 4, 5, यस 1, 2, 3, 4, 5, यही प्रिंट होना था, एग्जैक्टली। तो देखो अब हम नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, 5 नंबर वाले में, ये तो बहुत ही ईजी हो गया है ना। तो देखो 5 नंबर वाले में मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, चलिए तो इसको रब करते हैं। तो देखो मैं किससे स्टार्ट कर रही हूँ, 1 से, 0, 1, यानी कि स्टार्टिंग हो गई ये वाले इंडेक्स से और एंड कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स टिल 9 तक हमें प्रिंट होंगी चीजें, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस के दोनों इंडेक्स मैंने दे दिए, ठीक है, मैंने क्या किया माइनस के इंडेक्स दे दिए, तो अब इसको रब करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखो -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9, ठीक है, माइनस आप मैंने बोल दिया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए माइनस लगाया नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, -5 है कहाँ पे मेरे पास, ये रहा, तो यहाँ से मेरा क्या है, ये स्टार्टिंग हो जाएगा। अब -1 कहाँ है, ये तो आएगा नहीं इससे एक पहले का, यानी कि मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, एग्जैक्टली, यस 5, 6, 7, 8, आप सही जा रहे हैं, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, 7, ओके, 7 नंबर पे क्या हो रहा है, -1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने लास्ट कुछ दिया ही नहीं है, हमने क्या किया, लास्ट कुछ दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो आप पजल हो जाओगे, है ना। तो इसको रब करते हैं, देखो बेटा मैंने -1 से तो स्टार्टिंग कर दी और मैंने लास्ट का कुछ दिया नहीं, तो मतलब क्या है कि वो टिल लास्ट तक जाएगा, भाई यही लास्ट नंबर है तो इसके बाद क्या होगा, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 9 सीधा आएगा, ठीक है। तो पजल मत हो जाना इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि कहीं आप 9 से सीधा 1 तक प्रिंट करा दो, ओके, तो इस टाइप से मत कर देना, कहीं पजल हो जाओ। तो पजल से बचने के लिए एक ही तरीका है, क्या है, प्रैक्टिस, ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। तो देखो अब हम यहाँ पर थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ लिख रखी है कि वी कैन चेंज द वैल्यू थ्रू द स्लाइसिंग, हाउ वी कैन डू दिस, ओके। तो चलिए करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं ये चीज़, मेरी यहाँ पर लिस्ट है, श्योर, ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ प्रिंट कर रही हूँ, क्या कि 2 से स्टार्टिंग हो रही है, तो देखो 0, 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई टिल एंड तक जाएगा, तो दैट मीन्स क्या प्रिंट होगा, 3, 4, 5, 6, 7, एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, ओके, तो ये प्रिंट हो गया। अब देखो बेटा मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग का कुछ नहीं दिया तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 2 दिया है तो 2 से ठीक पहले क्या आता है, 1, तो क्या प्रिंट होगा, 1 एंड 2 प्रिंट होगा, ठीक है, यही मैं चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं ताकि एक एक चीज़ है जो एक एक पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, कुछ भी गुंजाइश ना रहे कि 1% भी डाउट की, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, LI 2 और 5 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ठीक है बेटा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, 2, फिर 3,
फिर 4 और फिर 5, यानी कि 5 तक जाएगा नहीं, यहां तक प्रिंट होगा. तो क्या प्रिंट होगा? 3, 4, 5, एग्जैक्टली व्हाट वी वांट हियर. यस, तो यहां तक हमने चीजें देख ली जो अभी तक हमने किया था. अब इसको रब करते हैं और असली चीज पे आते हैं. देखो, अब मैं यहां पर क्या चाह रही हूं, देखो इंडेक्स लिख लेते हैं पहले. 0, ओके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये मेरे इंडेक्स हैं. अब मैंने क्या किया, 2 और 5 के बीच के इंडेक्स चूज करते हैं पहले, 2 और 5 के बीच के. यस और यस, ये वाले हैं मेरे पास, है ना, यानी कि इनको साइड में देख लेते हैं. 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके. तो अब हम इनमें करना क्या चाहते हैं? अच्छा, तो हम इस, ये म्यूटेबल है तो हमने सोचा कि इन तीनों को चेंज कर देते हैं. यस, तो ये तीनों किससे रिप्लेस हो गए हमारे, अब किससे रिप्लेस हो गए? 4, 7, 8 से. तो जब मैंने इस लिस्ट को प्रिंट कराया तो देखो मेरे पास क्या हुआ, जो मेरे नंबर थे 3, 4, 5 वो गायब हो गए, उनकी जगह नई लिस्ट आ गई. कौन सी? 4, 7, 9 नंबर आ गए. सो दैट मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू थ्रू द स्लाइसिंग. ओके, ये हमने चीज यहाँ पर की. तो देखो अब हम थोड़ा सा और इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना, एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हैं. तो अब हम 7 नंबर लाइन में क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करो 2, 5 तक. ठीक है, चलो सेलेक्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, तो अब मेरे पास 2 आ गया. ठीक है, तो मतलब मैं इन्हीं तीनों की बात दोबारा कर रही हूँ. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रही. तो देखो अब यहाँ पर जब आप प्रिंट कराओगे दोबारा इस लिस्ट को, तो देखो मेरे पास नई लिस्ट आई जिसमें ये वाले जो एलिमेंट्स थे ये गायब हो गए. मतलब मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, कुछ भी नहीं, एक एम्प्टी मतलब डेटा दे दिया. तो अब क्या हुआ, वो गायब हो गए यहाँ से. तो वी कैन से दैट इस तरीके से हम इजिली स्लाइसिंग के थ्रू वो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. समझ में आई बात? ओके, सो ये था हमारा स्लाइसिंग का टॉपिक. तो अभी हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं. यहाँ पर देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, 1 नंबर पे कुछ लिस्ट ली, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज को डाला. ठीक है, ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि एक एक चीज अगर आपने देखी होगी, अपने सीनियर से सुनी होगी, अगर आप 11th के हैं, 12th के हैं, तो आप लोगों ने शायद किया भी होगा. यहाँ पर देखो, ये तो मेरा स्टार्टिंग का इंडेक्स है, ये मेरा एंडिंग का इंडेक्स है. अब ये भाई तीसरा कौन सा है? एक्चुअली में ये क्या है, ये इसको बोलते हैं स्टेप, स्टार्ट एंड स्टेप. समझ में आई बात? अब ये स्टेप क्या काम करता है, तो देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये मैंने अपने इंडेक्स लिख लिए. अब देखो मैं एक बार के लिए इस 2 को भूल जाना चाहती हूँ कि ये कुछ लिखा हुआ है. ठीक है भाई, भूल गए हम. अब मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलो मैं ये कर रही हूँ स्टार्ट यहाँ से. ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ना अच्छे से क्लियर कर पाए. ब्लू ले लेते हैं इस बार. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो और 7 तक, 7 से ठीक एक पहले कि यहाँ तक मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ. ठीक है, लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि मैंने इसमें एक स्टेप दे दिया. अब ये स्टेप क्या है? स्टेप मैंने दिया यहाँ पर 2. ठीक है, तो स्टेप को देख लेते हैं अब कि ये क्या काम करता है. देखो अब मैंने यहाँ पर दिया है 2, यानी कि ये क्या करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, लेकिन इसके अंदर 2 का स्टेप कर देगा. ठीक है, मतलब कि देखो इसके अंदर क्या करेगा ये, 1 कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं इस बार. ठीक है, तो देखो 1, ओहो नहीं चेंज हुआ, आई होप चेंज है. हाँ, तो 1 और 2. ठीक है, तो अब 2 का चेंज किया, तो अब ये क्या करेगा, पहले तो ये प्रिंट क्या करवाएगा, 3 प्रिंट कराएगा, उसके बाद 2 के स्टेप में 99 प्रिंट कराएगा. अब मैं अगर 2 का स्टेप करूं तो क्या आएगा, 77, तो 77 मेरे पास प्रिंट होगा. ठीक है, अभी भी अगर थोड़ा सा डाउट है तो इस एग्जांपल को समझते हैं. मैंने यहाँ पर क्या किया, 279 किया है, तो मतलब यही इंडेक्स होंगे 2 से लेके कहाँ तक, 7 तक, 7 से 1 पहले तक. ठीक है, 7 से 1 पहले तक, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस इंडेक्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अगर कन्फ्यूजन हो रही है ना तो मैं इसको रब करती हूँ, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे. ठीक है, तो मैं इसके इंडेक्स जल्दी से बना देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर चीज़ की. अब हम इसको कर रहे हैं, तो ये हमें क्या करना है, 2, 7 और 3 तक चल रहे हैं. पिछली बार शायद मैंने 9 बोल दिया गलती से. ठीक है, तो देखो 2, 7 और 3 तक कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 नंबर इंडेक्स मेरा कहाँ है भाई, ये रहा. ओके, 7 नंबर इंडेक्स कहाँ है, ये रहा, लेकिन उससे ठीक है पहले का, यानी कि ये रहा. तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3, ओके, 4, 99,
ओके, तो 88, ओके, और 77 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर 3 स्टेप डाला है, यानी कि क्या करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 का स्टेप डाल रही हूँ। तो देखो 1, 2 और 3, थर्ड स्टेप पे क्या आ रहा है, 88 आ रहा है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप पे क्या आ रहा है, बट हम थर्ड स्टेप पे तब जाएंगे ना, एंडिंग पॉइंट ही हमारा यहाँ आ गया, तो एंड ही हमारा ये है, तो अब हम थर्ड स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो मतलब ये उतने स्टेप आगे कूद जाता है, मतलब स्लाइसिंग तो करता है लेकिन उतने स्टेप आगे ले लेता है। जैसे कि अब देखो, अब मैंने नेगेटिव के अंदर भी इसको किया है, तो नेगेटिव के अंदर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने ऑपरेशंस को। नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको पता है, -1, ओके, -2, -3, -4, माइनस लगा लेना, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और -9, ओके, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक चीज़ समझना कि अभी तक मैंने जो छोटे नंबर, मतलब जीरो से जो भी इंडेक्स थे, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे दे रही थी, मतलब यहाँ पे दे रही थी, और जो एंडिंग पॉइंट था वो यहाँ दे रही थी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर तो मैंने बड़ा नंबर लिखा है, है ना, एंडिंग वाला जैसा नंबर लिखा, और यहाँ पे मैंने क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर नेगेटिव में स्टेप दे रही हूँ, इसलिए, ठीक है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली करना, तो देखो बेटा, अब यहाँ पर मेरे पास 7 नंबर इंडेक्स मेरा कहाँ है, देखो मैं यहाँ पर 7 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने उल्टी इंडेक्सिंग की है ना, तो इसलिए नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट, 66, ओके, तो 66 से हमारी स्टार्टिंग होगी, ये हमें पता चल गया। अब 2 तक है, क्या है, 2 तक है, तो दैट मीन्स 2 से बिल्कुल क्या होगा, एक पहले तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 से एक पहले तक की हम बात करेंगे यहाँ पर, ओके। तो अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली किसके बारे में, यस, ओके। तो अब यहाँ पर मेरे एक चीज़ की बात देखना, यहाँ पर मैंने क्या है, -1 की बात की है, ठीक है। -1 से क्या मतलब होगा कि देखो, अगर जब हम ऊपर हम लोग स्टेप कर रहे थे, है ना, तो जब हम ऊपर स्टेप कर रहे थे तो हम 3 का जो स्टेप ले रहे थे वो किस तरफ ले रहे थे, लिस्ट के आगे तक ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, बड़े जो नंबर है वो मैंने यहाँ इस तरफ लगाया और छोटा नंबर इस तरफ लगाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं जब अगर स्टार्टिंग कर रही हूँ तो मैं किससे कर रही हूँ, 66 से कर रही हूँ, ओके। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास 2 नंबर इंडेक्स कहाँ है, 0, 1 और 2, 2 से ठीक एक पहले की मैं बात करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मेरे पास इंडेक्सिंग होगी तो क्या होगी, 66 से मैंने स्टार्ट किया और मैं 4 तक जाऊंगी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, -1 हम लेंगे, ठीक है, -1 हम लेंगे, तो 66 में से -1 किया 77, 71 से किया 88, 88 से किया 99, उससे किया 4, ठीक है। मतलब एक एक माइनस करता 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 आपको आगे तक प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इसके 2-4 और एग्जाम्पल लेके देखना, -2 करना, जैसे मैंने शायद आगे वाले में तो -2 कर ही रखा है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरी 0, 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिछली बार शायद मैंने माइनस वाली की थी ना, तो शायद अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसमें शायद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, 7 से स्टार्ट कर दिया, मतलब 66 से, ओके। तो अब मैं एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है मेरा, 2 है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ पर 2 है, ओके। तो चलिए, मेरा यहाँ पर एंडिंग पॉइंट 2 है, ओके। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास -2 की एक मतलब हो रही है इंडेक्सिंग, ठीक है, -2 की। अब मैं यहाँ से अगर चलूंगी, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो देखो क्या होगा कि मैं 2 स्टेप आगे बढ़ूंगी, -2, यानी कि मैं 88 की बात कर रही हूँ, और उसके बाद 2 स्टेप आगे चलूंगी, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाँ, किसकी बात कर रही हूँ, 4 की। तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, 66, 88 और 4, और आगे हमने जाना भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, इसने क्या बोला है कि 2 है, तो 2 से ठीक एक पहले क्या आता है हमारे पास, 4 ही तो आता है, है ना। ये मेरे पास एंडिंग पॉइंट से एक ठीक एक पहले का नंबर मैं लेना चाह रही थी, ओके। तो चलिए, ये हमारे पास यहाँ पर हुआ कि जब हमने 3 स्टेप किसके साथ लिए, नेगेटिव के साथ, ओके। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से लेके देखते हैं कि मेरा जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना उसको थोड़ा बड़ा लेते हैं नंबर, और जो एंडिंग का है ना उसको थोड़ा छोटा लेते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार्टिंग तो मतलब बड़े नंबर से कर दी और एंडिंग छोटे नंबर से कर दी। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इसने मुझे एम्प्टी लिस्ट दी, क्योंकि ये तो पॉसिबल था यहाँ पर बड़ा नंबर और छोटा नंबर, क्योंकि आप नेगेटिव में स्टेप लेके चल रहे थे, तब तो पॉसिबल था, बट इस टाइप से पॉसिबल नहीं है। तो आपको एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेगी, ओके। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या किया,
हमने लिस्ट का बेस रेडी कर लिया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, लिस्ट के मतलब किस किस टाइप से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्यों है, ओके क्या है इम्यूटेबल, म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है जो, देन हमने डिस्कस किया स्लाइसिंग को. तो मतलब जो चार जो मेजर एरियाज है ना लिस्ट के, वो हमने क्लियर कर लिए यहाँ पर. ओके तो देखो अब हम नेक्स्ट जो मेरी क्लास आएगी तो उसके अंदर मैं आपको लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है किस तरीके से नेस्टेड लिस्ट के अंदर होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे. सो आई होप बेटा आपको ये जो चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. सो बेटा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है. सो बाय बाय.